आज का जो लेक्चर है हमारे पास वो है पाइथन की बेसिक से थोड़ा सा बढ़ के, किस तरह से कि डेटा साइंस के अंदर हमारे पास जो मेजर फील्ड है, जो मेजर चीज़ है जिसके ऊपर सारी की सारी डेटा साइंस की फील्ड बेस करती है, वो है डेटा। तो डेटा के अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा के अंदर आप देखेंगे कि आपके पास कुछ सिग्नल्स की फॉर्म में डेटा है, कुछ इमेजेस की फॉर्म में डेटा है, कुछ टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा है, और सारा का सारा डेटा आपके पास डिफरेंट फाइल्स की फॉर्म में अवेलेबल है। अब इन फाइल्स को, इस कंप्लीट डेटा सेट को आपने किसी ना किसी तरीके से प्रोसेस करना है। उस प्रोसेसिंग के बाद आपके पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे, आपका मॉडल ट्रेन होगा, आपके सिस्टम को कुछ ना कुछ डिसीजन करने में हम एल्गोरिदम्स की हेल्प से आपके सिस्टम को डिसीजन करना सिखाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए जो सबसे मेजर स्टेप है वो है डेटा। अब जब डेटा हमारे पास अवेलेबल है डिफरेंट फाइल्स की फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज की फॉर्म में, डिफरेंट रिपोजिटरीज की फॉर्म में, तो सबसे जो बेसिक स्टेप है इसके अंदर वो है डेटा को लोड करना। उसको आपने किस तरह से सिलेक्ट करना है कि कौन से डेटा को आपने यूज़ करना है, और सबसे पहले वही कि आपने डेटा सेट बनाना है। मतलब आपके पास अगर भी कोई भी टास्क आपने परफॉर्म करना है तो आपके पास डेटा सेट होगा तो टास्क परफॉर्म करेंगे ना। तो सबसे पहले उसकी क्रिएशन, उसके बाद उसको लोड करना, उसके बाद डेटा को, स्पेसिफिक डेटा जो आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करना, और उसके बाद जो आपके पास कॉन्सेप्ट आता है डेटा को लोड करने के लिए, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि आपके पास डेटा किसी ना किसी फॉर्मेट में पड़ा होगा, कुछ फाइल्स की फॉर्म में पड़ा होगा। इमेज का डेटा आपके पास इमेज के फॉर्मेट में पड़ा होगा, टेक्स्ट का डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में पड़ा होगा, और ज़्यादातर जो डेटा फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं हमारे पास वो या तो कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स की फॉर्म में, CSV फॉर्म में होते हैं। उसके अलावा भी डिफरेंट है, डॉट मैट है, जेसन है, डिफरेंट आपके पास डेटा टाइप्स अवेलेबल है, ठीक है। तो अब उस केस में आपके पास क्या होगा कि अभी के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो या तो टेक्स्ट यूज़ करेंगे या CSV यूज़ करेंगे। तो CSV क्या है? CSV आपके पास है कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स, ये फाइल फॉर्मेट है जिसके अंदर आपके पास सारा का सारा डेटा सेट आपके पास कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में पड़ा होता है, ठीक है। तो CSV में आपके पास क्या है कि अभी आपने डेटा फ्रेम बनाना तो सीख लिया। जब डेटा फ्रेम बनाना आपने सीख लिया, हमने डिस्कस किया कि आपके पास डेटा सेट पब्लिकली भी अवेलेबल है, किस फॉर्म में अवेलेबल हो सकते हैं, कोई ऑनलाइन डेटा सेट हो सकता है, कोई एक्सेल फॉर्म में, एक्सेल की शीट हो सकती है, कोई गूगल फॉर्म से आपने डेटा सेट कलेक्ट किया हो सकता है, गूगल शीट में हो सकता है, कुछ आपने डेटाबेस से एक्सपोर्ट किया हो सकता है। तो आपके पास जो मेजर फॉर्मेट आता है वो CSV आता है, कॉमा सेपरेटेड। तो कॉमा सेपरेटेड का नाम क्या, CSV की फुल फॉर्म कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स, और इसको हम क्या कहते हैं, कॉमा सेपरेटेड डाटा सारा का सारा इसके अंदर पड़ा होता है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं टेक्स्ट ओनली स्प्रेडशीट फॉर्मेट, ठीक है। अब इस केस के अंदर आपके पास क्या होता है कि आपके पास, मैंने अभी बात की कि कॉमा सेपरेटेड डाटा पड़ा हुआ है, तो आपके पास लेट्स से अगर आप .csv फाइल को ओपन करते हैं तो ओपन करने के लिए जो कोई भी टूल यूज़ हो सकता है, .txt में ओपन कर लें, Notepad++ में ओपन कर लें, और आप इसको एक्सेल में ओपन कर सकते हैं। हाँ, आप देखें कि अगर आप इसको Notepad में ओपन करेंगे तो सारा का सारा डेटा आपको ये जो राइट साइड पर एग्जांपल है ऊपर इस फॉर्म में नज़र आएगा, कॉमा सेपरेटेड, कॉलम 1, कॉमा कॉलम 2, कॉमा कॉलम 3। पहली रो, ध्यान से सुनना है इस चीज़ को, सबसे पहली रो आपकी CSV फाइल के अंदर जो नेम्स हैं आपके कॉलम्स के उसको रिप्रेजेंट कर रही होगी। उसके बाद जितनी भी रोज आएंगी वो सारी की सारी आपकी डेटा वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो आपके पास अगर आप इसी फाइल को नोटपैड में ओपन करेंगे तो कॉमा सेपरेटेड में देखेंगे, अगर आप इसको एक्सेल में ओपन कर लेते हैं या आप इसको किसी ऐसे टूल में ओपन कर लेते हैं जो CSV को सपोर्ट करता है, तो ये आपको कॉलम्स की फॉर्म में और रोज की फॉर्म में डाटा शो करेगा। जैसे आपके पास नीचे एक एग्जाम्पल आ रही, देखें वहां पर क्या है कि कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 आपके पास हेडर नेम्स है और नीचे आपके पास वैल्यू नेम्स है, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर आपके पास CSV जो डेटा सेट होगा वो इस तरह से अवेलेबल होगा। आप उसको सिंपल, अब इसका फ़ायदा क्या है, आप जब भी पांडास को यूज़ करते हुए CSV की फाइल को लोड करवाएंगे तो पांडास आपको बिल्ट इन फंक्शन देगा, आप सिंपल उस एक लाइन को यूज़ करें, वो एज इट इज़ इसके फॉर्मेट को ऑटोमेटिकली समझेगा और उसको लोड करके आपकी जो कोड फाइल है उसके अंदर फर्दर यूसेज के लिए अपने वेरिएबल, अपने डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर करवा लेगा। अब फर्दर आप उस डेटा फ्रेम को यूज़ करें और आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, लोडिंग एंड सेविंग CSV यूजिंग पांडास, ठीक है। अब आपने देखा कि आपके पास जो डेटा फॉर्मेट है वो CSV है, लेकिन आप इसको फर्दर यूज़ करना चाहते हैं, तो यूज़ करना चाहते हैं तो आपको उन फाइल्स से डेटा लेके आना पड़ेगा अपने फाइल
अपनी कोड फाइल के अंदर। तो पहले हमने क्या देखा कि डेटा फ्रेम को बनाते किस तरह थे, अब हम क्या देख रहे हैं कि पहले से अवेलेबल डेटा सेट है उसको किस तरह से डेटा फ्रेम के अंदर लोड करवाएंगे सीएसवी फाइल से और किस तरह से फर्दर यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास कोई डेटा फ्रेम या कोई डेटा अपनी फाइल के अंदर अवेलेबल है तो उसको हम फर्दर किस तरह से अपने कोड के अंदर, कोड से फाइल के अंदर, सीएसवी फाइल के अंदर सेव करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि रीड किस तरह से कर सकते हैं सीएसवी फाइल को। सिंपल सी कमांड है, आपने पहले अपने पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाना है एज पीडी, और उसके बाद पीडी डॉट रीड सीएसवी और सीएसवी की पैरेंथेसिस के अंदर आप आर्ग्यूमेंट पास करें अपनी फाइल नेम। जैसे आप पहली एग्जांपल देखें राइट साइड पर, तो वहाँ पर वो क्या कह रहा है, पीडी डॉट रीड सीएसवी और पैरेंथेसिस, इस फंक्शन की पैरेंथेसिस के अंदर से वो क्या पास करवा रहा है, माई सीएसवी फाइल डॉट सीएसवी। तो ये क्या करेगा, आपकी करंट डायरेक्टरी, क्योंकि इसके अंदर कोई स्लैश नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, तो आपकी करंट डायरेक्टरी के अंदर जो माई सी एस वी फाइल डॉट सी एस वी की फाइल पड़ी हुई है उसको लोड करवा लेगा अपने कोड फाइल के अंदर एज अ डाटा फ्रेम। ठीक है, तो अब जब डाटा फ्रेम की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा तो अब आप उसको प्रिंट करवा लें, आप उसके ऊपर कोई भी टास्क परफॉर्म करवा लें। तो अब आपके पास प्री डिफाइंड जो फाइल्स थी उसके थ्रू डेटा आपकी फाइल के अंदर आ गया। अब आपने क्या किया, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया रीड करने का। अब आपके पास अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है, लेट्स से आपने एक डाटा फ्रेम क्रिएट किया जो हमने पहले सीखा, अब आप उस डाटा सेट, डाटा फ्रेम को क्रिएट करने के बाद एक फाइल के अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हैं फर्दर यूज़ के लिए। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप अपना डाटा फ्रेम का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें पीडी नहीं लिखा मैंने, पांडाज नहीं लिखा मैंने, डाटा फ्रेम लिखा, डाटा फ्रेम डीएफ जो नाम है डाटा फ्रेम का, लेट्स से यहाँ पर कुछ भी हो सकता है एबीसी। तो आप क्या करेंगे, एबीसी डॉट टू सेव, और टू सेव के अंदर आप आर्ग्यूमेंट पास करेंगे अपनी फाइल का नेम। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, डी एफ डॉट टू अंडर स्कोर सी एस वी, अंदर आप देखेंगे न्यू सी एस वी फाइल डॉट सी एस वी, तो ये क्या करेगा, आपकी करंट डायरेक्टरी के अंदर जाकर आपका डेटा स्टोर करवा देगा। ठीक है, अब वो किस तरह से होगा कि देखें, आपने यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं ना दिया पैरेंथेसिस के अंदर, अगर आप अपने सिंपल नेम की जगह आप कोई एड्रेस देते हैं तो उस, वो क्या करेगा एड्रेस, वो उस एड्रेस के ऊपर जाकर जो फाइनल नेम होगा आपकी फाइल का, उस फाइल के नाम से आपके डाटा को स्टोर करवा देगा। ठीक है, तो अभी के लिए यही साइड पे जो वर्डिंग है वो यही बता रही है, और लास्ट लाइन के अंदर अगर आप देखें तो वो बता रहा है बाय डिफॉल्ट दीज मेथड्स विल लोड एंड सेव द सी एस वी फाइल इन योर करंट डायरेक्टरी, क्योंकि आपने सिर्फ नाम लिखा है फाइल। अच्छा जी, अब जब आपके पास डेटा सेट लोड भी हो गया, आपके पास डेटा सेट सेव करना भी आ गया, तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि लोड करने के बाद आप डेटा सेट के ऊपर एक हल्की सी आपको एक ग्लिम्प्स देता हूँ इस चीज़ की कि किस तरह से आप फर्दर जो कुछ टास्क हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो कुछ बिल्ट इन फंक्शंस की हम यहाँ पर एग्जांपल देते हैं कि इंस्पेक्ट अ डेटा फ्रेम, आप एक डेटा फ्रेम को इंस्पेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो पांडास जो है वो आपको कुछ बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिसमें से कुछ यहाँ पर मैंने आपके लिए एग्जांपल के लिए रखे हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या है, प्रिंट डी एफ, डी एफ क्या है, आपके डेटा फ्रेम का नाम। तो अगर आप प्रिंट में सिंपल डी एफ लिख देंगे तो इसका मतलब है आपका, अगर डेटा फ्रेम कोई भी डेटा फ्रेम है, बहुत बड़ा भी है या छोटा भी है, तो आपका वो डेटा फ्रेम आपकी कंसोल के ऊपर एज अ आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, साइड पर इंडेक्स 10 से लेकर जितनी रोज़ हैं -1 और साथ उसके हर कॉलम में एंट्रीज। ठीक है, उसके अलावा अब ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ़ इट्स ए स्मॉल डाटा फ्रेम, ये इसलिए लिखा हुआ है कि जब आप प्रिंट करेंगे ना, तो अगर तो डाटा फ्रेम बहुत बड़ा है तो ये डॉट 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 भी शो करेगा। आप इसको ना यूज़ करके देखें इस कमांड को, तो ये डॉट डॉट की फॉर्म में आपको डेटा देगा, जिसकी वजह से आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो छोटे डाटा फ्रेम के लिए आप ये यूज़ कर लें। अगर आपके पास डाटा फ्रेम बड़ा है तो अब आप क्या करेंगे, आप कमांड यूज़ करेंगे डी एफ डॉट हेड, और हेड की पैरेंथेसिस में कुछ पास नहीं करना। जब आप हेड की पैरेंथेसिस में से कुछ पास नहीं करेंगे तो उस केस के अंदर आपका जो बड़ा डाटा सेट है उसकी पहली पांच रोज 0 से 4 तक इंडेक्स आपके पास कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स से आप कहते हैं कि नहीं जी 5 रोज़ नहीं चाहिए मुझे डाटा फ्रेम की, 1000 रोज़ में से 100 रोज़ चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप डी एफ डॉट हेड के अंदर से 10 पास करेंगे, एक आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। तो जब आप 100 पास करेंगे तो वो क्या करेगा, पहली 100 रोज़ 0 से 99 तक इंडेक्स और सारे के सारे कॉलम्स आपकी कंसोल के ऊपर शो करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जेनेरिक बात करूँ, आप कुछ रोज़ में से कुछ
अपनी रोज को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं अपने कंसोल के ऊपर, तो आप एक जेनेरिक आर्गुमेंट एन पास कर देंगे और एन की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1000 में से 900 भी हो सकती है और 1,00,000 में से 10,000 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो क्या होगा कि छोटे डाटा फ्रेम को प्रिंट करवाना तो प्रिंट df, बड़े डाटा फ्रेम को प्रिंट करवाना तो df.head, और अगर उसके अंदर भी आपने कुछ कस्टमाइज करना है तो आप अपनी रेंज दे दें। अब आपके पास एक फंक्शन जो बिल्ट इन आता है जो अक्सर हम यूज़ भी करेंगे किसी किसी जगह पर, के स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स यूज़ करने, तो स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स क्या होते हैं, मीन, मॉड, मीडियन और आउटलायर्स और इस तरह के, तो उस केस के अंदर हम उसको अलग से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन पांडा आपको बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करता है, बिल्ट इन फैसिलिटी देता है कि आप df डाटा फ्रेम का नाम डॉट इन्फो का फंक्शन, इन्फो की कमांड यूज़ करें तो वो आपको ऑटोमेटिकली जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं आपके हर कॉलम के वो आपको शो करवा देगा। ठीक है, आपके हर कॉलम के अगेंस्ट जो भी स्टैटिस्टिक्स आपके पास आ रहे हैं वो आपको आपकी विंडो पर कंसोल पर प्रिंट करवा देगा, शो करवा देगा। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, ये आपकी एग्जांपल के लिए थे। इस तरह के और भी बहुत से फंक्शंस हैं जिसको हम प्री डिफाइंड फंक्शंस को हम आसानी से यूज़ करते हुए फर्दर अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये यूज़ नहीं कर रहे, हमने कुछ और टास्क परफॉर्म करना है, कोई प्री प्रोसेसिंग करनी है, कोई डाटा की क्लीनिंग करनी है, तो ऑटोमेटिकली आराम से हम उसकी डाटा क्लीनिंग कर सकते हैं, हम उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हमारी अपनी मर्जी। ठीक है, तो अगर आज के लेक्चर को हम कंक्लूड करें तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि पांडास क्या है, पांडास को किस तरह से इंपोर्ट करवाते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम इसके अंदर डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने डेटा को डेटा फ्रेम के अंदर लोड करवा कर सेव करवा सकते हैं फर्दर यूसेज के लिए, हमारे पास डिफरेंट फाइल्स, फाइल टाइप कौन कौन सी हैं, डेटा सेट कहाँ कहाँ से हमें अवेलेबल हो सकता है, मेजर या बेसिकली या मेजर या कह सकते हैं हम उसको, जो डेटा फॉर्मेट है CSV उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसको किस तरह से सेव करवा सकते हैं, किस तरह से रीड करवा सकते हैं पांडास को यूज़ करते हुए, उसके किस तरह से डेटा फ्रेम बना सकते हैं और क्या बेसिक रूल्स हैं, क्या सिंटैक्स है लिखने का, और इस और डिफरेंट डेटा फ्रेम से रिलेटेड, CSV से रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वो हमने इस लेक्चर में देखे। अब उसके अलावा हमने कुछ बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करके देखा कि किस तरह से हम अपने डेटा फ्रेम के ऊपर फर्दर कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, कोई भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं और प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज़ करते हुए, और किस तरह से हम उस एग्जांपल की बेस पर हम कोई अपना टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, कोई अपना यूज़ किया हुआ फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये सारा आपका लेक्चर था आज का, जिसके अंदर हमने डेटा साइंस की बेसिक स्टार्ट की पांडास को यूज़ करते हुए, तो फर्दर इंशाल्लाह हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अब इस लेक्चर से रिलेटेड जो आपका क्विज है, असाइनमेंट है, वो आपको दे देंगे, आप उसको अटेम्प्ट करें, उसके अंदर अगर आपको कोई इशू आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।